चलो देखिया ए नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया दादरा लाला हुआ, चलो देखिया नंद घरे लाला हुआ, चलो देखिया ए कि चलो देखिया ए नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घरे लाला हुआ, चलो देखिया ए नंद घर लाला वे नंद घरे लाला हुआ, चलो देखिया ये नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घरे लाला हुआ, कि देखो गोकुल की ओर सावन भादों का शोर, देखो गोकुल की ओर सावन भादों का शोर, कि बूंदे आनंद की बरसाने वाला हुआ, चलो देखिया ए नंद घरे लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घरे लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घरे आज ब्रज में महाराज करत भगतन के काज, आज ब्रज में महाराज करत भगतन के काज, आज कि आज ब्रज में महाराज, आज ब्रज में महाराज करत भगतन के काज, आज ब्रज में महाराज करत भगतन के काज, कि आज नंद का नसीबा, चलो देखिया ए कि चलो देखिया ए नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया नंद घरे लाला हुआ, कि जगे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, कि जगे राधे राधे, कि जगे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद स्वामी ने जल्दी 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 से भागवत के श्लोकों को बोलना शुरू किया। अरे भैया राजा परीक्षित से भागवत जी में जो ये जो नंदोत्सव है ना, ये बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा चाहिए। नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाता हला दो महामना, आहुई विप्राण वेद ज्ञान स्नात्वा सुचिर अलंकृतो। नंद जी ने सुना कि मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है, तो वेद के विद्वानों को बुलाया, वेद के विद्वान, वेद के विद्वानों ने जो शुद्ध वेद का उच्चारण कर सके, हरि ओम साधरा से रेगा पुरुगा साधराक्ष साधरावाद सभूमि गुं श्रवद स्मृतवाद तत्रदशांगुलम पुरुखजे वेद गुं श्रवं यद्भूतं यच भाव्यम उदामृतत्वशेषानो यदन्नेनादिरोहति। नंदराय के घर में सैकड़ों ब्राह्मण विद्वान, जानते हो उस समय ब्राह्मणों को असर भी मिलती थी दक्षिणा में, उस समय ब्राह्मणों का सम्मान होता था, आजकल नहीं होता है। कुछ दिन में सत्यनारायण कथा सुनाने वाले भी ब्राह्मण मुश्किल से मिलेंगे, क्योंकि कोई अपने बच्चे को पढ़ाएगा ही नहीं, क्यों पढ़ाएगा, 10 साल जाके संस्कृत विद्यालय में पढ़ाए फिर आपकी बेइज्जती झेले। आप लोग कहो कि ब्राह्मण सब लुटेरे लोग हैं, सब ठगते हैं, शादी कराने आते हैं तो 1100 मांगते हैं, बैंड वाला 11000 ले जाता है, तो वो खीस निपोर के दे देते हैं। आप मिलेंगे 5 साल 10 साल बाद, देखें कितने कितने ब्राह्मण सब पेट्रोल पंप खुलवाएंगे, सब नौकरी करवाएंगे, कौन संस्कृत पढ़वाएगा। ये हमारे आपके कारण, ये जो विनाश होगा ना अपनी संस्कृति का धर्म का, इसके कारण हम आप होंगे, बड़े बड़े लोग धनाढ्य लोग,
जिनकी बग्घी आती है 50,000 में लखनऊ से, घोड़ा आता है 20,000 में। लेकिन अभी कोई शुद्ध वेद बोलने वाला ब्राह्मण आ जाए, उसको 21 रुपए देने में आपके दोनों किडनी में इतने जोर की पीड़ा होने लगेगी कि जिसका कोई हद नहीं। तो भैया देखो, ये किसी की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें ना कोई ईसाई दोषी है ना कोई मुसलमान दोषी है। यदि वेद पुराण शास्त्र और भागवत के शुद्ध श्लोक बोलने वाले विद्वान इस समाज से गायब हो जाएंगे, इसमें पक्का 100% आप लोग दोषी हो, समाज के अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग। नंदराय के महलों में, महल में वेदज्ञ ब्राह्मणों की भीड़ लग गई।